हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स में कुड का प्रयोग। देखिए, कैन का पास्ट टेंस कैन, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं। कैन का पास्ट टेंस ही कुड है। भूतकाल में योग्यता, एबिलिटी। भूतकाल में ही, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में, योग्यता एबिलिटी, सामर्थ्य कैपेबिलिटी। क्या सामर्थ्य का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कैपेबिलिटी के लिए कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में जैसे कि प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में किसका करेंगे? कुड का। किसके लिए? योग्यता के लिए और सामर्थ्य के लिए, क्षमता के लिए। एग्जाम्पल से अच्छे से सीखेंगे। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज ए फ्यू ईयर्स बैक। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज ए फ्यू ईयर्स बैक। कुछ साल पहले बिना चश्मे के मैं पढ़ सकता था। तो पुरानी एबिलिटी है, पुरानी क्या है? एबिलिटी, योग्यता है। कुछ साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। आई कुड रीड, तो मॉडल क्या है यहाँ पे? कुड, और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, रीड। देखिए, आई कुड लिफ्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। आई सब्जेक्ट हो गया, कुड मॉडल, लिफ्ट ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 100 kg वेट व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग। कैपेबिलिटी, क्षमता के लिए, सामर्थ्य। तो इसमें अर्थ क्या बनता है? जब मैं जवान था, पुरानी बात है ना, पास्ट की बात है, जब मैं जवान था। तो यहाँ पे व्हेन का अर्थ क्या हो गया? जब मैं जवान था, मैं 100 kg का वजन उठा सकता था। तो यहाँ पे कुड का अर्थ क्या हो गया? सका या सकता था, सकती थी, सकते थे, इस रूप में आएगा कि जब मैं जवान था तो मैं 100 kg का वजन उठा सकता था। अगला एग्जाम्पल देखिए। माय ग्रैंड मदर कुड रीड विदाउट ग्लासेज व्हेन सी वॉज यंग। माई ग्रैंड मदर कुड रीड विदाउट ग्लासेज व्हेन सी वॉज यंग। तो इसका अर्थ है, ये माई ग्रैंड मदर तो हो गया सब्जेक्ट, कुड क्या है? मॉडल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, ठीक है? जब वह जवान थी, कौन? मेरी दादाजी, सॉरी, माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, बिना चश्मे के, विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के पढ़ सकती थी। कौन? मेरी दादी जी, माय ग्रैंड मदर कुड रीड विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के पढ़ सकती थी जब वह जवान थी। व्हेन सी वॉज यंग, जब वह जवान। तो सेंटेंस कैसे बना? माय ग्रैंड मदर कुड रीड विदाउट ग्लासेज व्हेन सी वॉज यंग। और समझते हैं हम कुड का प्रयोग। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट। अगला एग्जाम्पल। दे कुड राइट ए स्टोरी, वे एक कहानी लिख सकते थे, दे कुड राइट ए स्टोरी, वे एक कहानी लिख सकते थे। सी कुड कम हियर, वह यहाँ आ सकती थी, तो कैन का ही पास्ट टेंस होता है कुड।
जिसका अर्थ हम लगाते हैं सका, सकता था, सकती थी, सकते थे के रूप में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इस वीडियो में। हम अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।